ये है मन्नतों वाला पहाड़। यहाँ पर पत्थर रखते हैं और मन्नत मांगा जाता है। हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। आप सभी भक्तों का स्वागत है कांवरिया पथ सुइया से। और यहाँ पर देख रहे हैं मेन रोड और कांवरिया पथ दोनों एक साथ है, और थोड़ा सा हमें साइड लेना पड़ेगा। यहाँ पर देख रहे हैं ये रहा सुइया का पहला अंडरपास, और अभी हम गुजर रहे हैं मेन रोड से। अंडरपास ये वाला है, यहाँ से आगे जाना पड़ता है। तो यहाँ का नीचे का रास्ता बहुत ख़राब है, देख रहे हैं शिवलोक है ये सुइया का, और यहाँ से निकलता है। तो हम आगे से मुड़ते हैं, आगे सवा दो लाख बाबा हैं, जय बाबा सवा लाख। और यहाँ पर से थोड़ा सा मुड़ते हैं, फिर आप सभी को लेके चलते हैं कांवरिया पथ से। ये देखिए ये रहा, यहाँ से निकलते हैं अंडरपास से, और ये रहा सुइया का शिवलोक का बजरंग होटल एंड रेस्टोरेंट। यहाँ का सबसे बड़ा होटल होता है, अभी बंद है, 6 महीने पहले ये चालू था और अभी के टाइम में बंद कर दिया गया है। और आषाढ़ के महीने में जब कांवरिया पथ की तैयारी होगी ना, तो यहाँ पर दुकान की भी तैयारी शुरू हो जाएगी। ये सभी देख रहे हैं शिवलोक का किस प्रकार है। एक शिवलोक आप सभी को दिखाए हैं जिलेबिया से पहले, और दूसरा यही शिवलोक है कांवरिया पथ का। तो आज जो है बने रहिए वीडियो में, आज आप सभी को लेकर चलते हैं यहाँ पर, पहले दर्शन कीजिए। हर हर महादेव, जय मैया पार्वती, जय श्री गणेश। देख पा रहे हैं किस प्रकार, यहाँ से बाबा धाम की दूरी देख रहे हैं, 43 किलोमीटर बताया जा रहा है किलोमीटर बोर्ड के हिसाब से। और यहाँ पर देख रहे हैं आप, धीरे धीरे जो है उतरना पड़ेगा इस ढलान से। और ये रहा बड़ा सा शिवलिंग, इसी जगह का एक तस्वीर हमने दिखाया था आप सभी को, पोस्ट किया था। और यहाँ पर देख रहे हैं ये सभी दुकान जो है बंद पड़ा हुआ है। एक दुकान यहाँ पर तो चालू रहता था सालों भर, लेकिन अब ही के टाइम में इस बार देख रहे हैं नहीं देखने को मिल रहा है। और धीरे धीरे उतरना पड़ रहा है। इस जगह का माहौल देखिए, बहुत सारा बदला लग रहा है सुइया पहाड़ का। ये देखिए कितना अच्छा पेड़ है, बहुत ही हरा भरा देखने को मिल रहा है। और आगे बढ़ते ही रहते हैं, इस जगह का जो मोड़ है ना, ज़बरदस्त मोड़ है ये वाला, जो मोड़ है ना ज़बरदस्त मोड़ है। लंबी लाइन ना दोस्तों, सावन में बहुत ही अच्छा देखने को लगता है इस जगह पर, इस जगह पर देख रहे हैं। और धूप तो तेज़ होने लगी है। आप सभी भक्तों के लिए मैं तैयार रहता हूँ, आप सभी की इच्छा पूरी करने के लिए, क्योंकि मुझसे जितना हो पाता है मैं उतना कर पाता हूँ। यहाँ से देख रहे हैं ये अवरखा की दूरी, देखिए 5 किलोमीटर बताया जा रहा है किलोमीटर बोर्ड के हिसाब से। और बहुत सारे भक्त कहते हैं कि इसकी जो दूरी होती है ना, कम और ज़्यादा रहता है, लेकिन जो भी हो कि अब जो बोर्ड में लिखा रहेगा वही ना आप देखोगे, वही चीज़ बात है। और अब देख रहे हैं यहाँ से जो है बढ़ते जा रहे हैं, एक दुकान यहाँ पर चालू है, देखना ये चालू ही रहता है ग्रामीण क्षेत्र वाला। आगे देखना ये क्षेत्र है गरुआ, इस क्षेत्र को बोलते हैं गरुआ। यहाँ पर भी लगता है शिविर, बहुत ही अच्छा शिविर लगता है, एक क्लिनिक टाइप का शिविर लगता है। यहाँ पर जो है ना मेडिसिन वगैरह जो है बहुत ही अच्छा दिया जाता है इस जगह पर, और दुकान भी लगे रहते हैं। और आगे देख रहे हैं अभी किस प्रकार सुनसान है, हैंडपम्प तो मिलते ही रहता है जगह जगह पे। और ये मंदिर देखिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हनुमान मंदिर है। और यहाँ पर ये रहा प्रवेश द्वार, और आगे देख रहे हैं यहाँ पर आगे लगता है झाझा का कैंप, फिर शुरू होता है सुइया का वन क्षेत्र। चलते हैं आज आप सभी को दिखाते हुए चलते हैं ना, ये देखिए ये रहा ना, ये देखिए ये झाझा का कैंप वाला पानी टंकी, यहाँ पर लगता है झाझा का कैंप इस प्रांगण में। फिर यहाँ से आगे चलते हैं, झाझा का कैंप में ना बहुत ही अच्छा सुविधा दिया जाता है, जो कि आप सभी को दिखाते रहते हैं। तो अंडरपास से चलते हैं, देख रहे हैं किस प्रकार यहाँ पर बालू जमा हो जाता है बारिश के पानी में, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन बढ़ना तो छोड़ेंगे नहीं, बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि आप सभी को दिखाना है ना हर जगह का, कोई रास्ता छूटे ना। यहाँ पर देख रहे हैं कांवरिया पथ मिल चुके हैं, ये देखिए दर्शन होते रहते हैं महादेव भक्तों का। हर हर महादेव।
अब सुइया का जो है यहाँ से वन क्षेत्र शुरू हो जाता है, ये ग्रामीण क्षेत्र रहता है। देखने अभी जो है पहुँच ही रहे हैं, आगे देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए ग्रामीण क्षेत्र का नज़ारा को कैप्चर करते हैं, किस प्रकार है ये माहौल। यहाँ का रास्ता तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब देखने को मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा। ये दुकान चालू है, आगे दो कांवरिया नज़र आ रहे हैं, ये देखिए दिखाने का मौका मिल गया है। महादेव सही टाइम पे भेज दिए हैं ताकि आप सभी तक भी जानकारी मिल पाए। ये धर्मशाला बंद है, यहाँ पर एक दुकान और चालू है। यहाँ देखिए दुकानों में रुक रहे हैं ना कांवरिया, कांवर स्टैंड लगा रहता है और दुकान रहता है तो कांवरियों को बहुत ही ज़्यादा सहूलियत होती है। और ये रहा वन क्षेत्र का बोर्ड, यहाँ से वन क्षेत्र की शुरुआत। और हमें दिखाना है थोड़ा सा आगे चल करके जो है कांवरिया भक्त को, हमने पीछे दिखाया ही और ये देख रहे हैं पहाड़ बनाते बनाते किस प्रकार बन गया है सुइया में एक और पहाड़। ये है मन्नतों वाला पहाड़, यहाँ पर पत्थर रखते हैं और मन्नत मांगा जाता है। तो ये रहा मन्नतों वाला पहाड़, देख रहे हैं यहाँ पर छोटा छोटा किस प्रकार बनाया गया है। और इधर भी देख रहे हैं, इधर देखिए, ये देखिए कितना ज़्यादा जो है पहाड़ों में ये नज़ारा देखने को मिलता है। वन क्षेत्र देखिए कैसा है, ये पहला पुलिस कैंप का ये चबूतरा है। चलते हैं आज जो है इसी एपिसोड में दिखाते हैं सुइया पहाड़ को, तो देख रहे हैं बढ़ते तो जा रहे हैं। और बंद कर दिया हमने बाइक और धीरे धीरे बढ़ना है क्योंकि ढलान है ही। और माहौल देखिए क्या कुछ महसूस हो रहा है, मैं इस जगह पे आता हूँ या और जिलेबिया का वन क्षेत्र में रहता हूँ तो दोनों जगह मुझे ना बहुत ही अच्छा महसूस होता है। कहीं ना कहीं शांति तो इस पथ पर शुरू से मतलब सुल्तानगंज से बाबा धाम तक महसूस होता है, लेकिन वन क्षेत्र में ना एक अलग ही महसूस प्रतीत होता है जो कि देख पा रहे हैं यहाँ पर दिखाते हुए जा रहे हैं ना। और आगे चलते हैं, पूरा सुइया पहाड़ को यहाँ पर कैप्चर करते हैं, देखते हैं क्या क्या हो पा रहा है इस जगह पर। लगातार बने रहिए, अभी तो कोई तैयारी यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है क्योंकि वन क्षेत्र में जो है ना बहुत ही आखिरी टाइम में जो है यहाँ पर तैयारी देखने को मिलता है। और यहाँ से अबरखा की दूरी जो है 3 किलोमीटर बताया जा रहा है, देख रहे हैं किलोमीटर बोर्ड के हिसाब से। तो दोस्तों हमने सुइया का जो है शिवलोक से शुरू किया चलते चलते और अभी पहुँचे हैं सुइया का जो है बीचों बीच वाला वन क्षेत्र में। पीछे देख पा रहे हैं वहाँ पर ये रहा पहला ढलान, यानी कि सुल्तानगंज से आते हैं तो पहला ढलान मिलता है, फिर आगे जाके सुइया में जो है चढ़ाई मिलता है। लेकिन वो चढ़ाई जो है ना कुछ ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है, मतलब लंबी है और हल्की सी चढ़ाई है। जिलेबिया का चढ़ाई जो है बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। और यहाँ तक का नज़ारा हमने दिखाया चलते चलते पहुँचे हम यहाँ पर। और यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है सुइया जो है यहाँ से 3 किलोमीटर, यानी कि उस साइड जहाँ मार्केट है सुइया का, यहाँ से 3 किलोमीटर बताया जा रहा है। लेकिन बाबा धाम यहाँ से इस साइड में है, यानी कि इस साइड में है। ये किलोमीटर जो है बाज़ार का, यानी कि ये पीछे रह गया बाज़ार। हम पहुँच चुके हैं वन क्षेत्र में। तो दोस्तों आज के एपिसोड में आप सभी को दिखाएँ पूरा चलकर, जो जो भी जानकारी मिली आप सभी तक पहुंचाएं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी जो है हम शेयर करने इसलिए बोल रहे हैं, बहुत सारे जो नए नए भक्त अभी जुड़ रहे हैं ना तो वो कमेंट कर देते हैं, मतलब जो कि हम दिखाते रहते हैं उसको भी कमेंट कर देते हैं। उसको लगता है कि जो है शायद इसका अपडेट नहीं डाला होगा, इसलिए जो है वो पूछ लेते हैं जानकारी के लिए। तो वीडियो शेयर कर दीजिए नए भक्तों तक और उनको जानकारी मिलते रहेगी और वीडियो पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए एपिसोड में। हर हर महादेव। जय बाबा वैद्यनाथ। आप सभी भक्तों को सुइया पहाड़ वन क्षेत्र से।